हेलो सुपर पेरेंट्स, देवुष्मिता मैम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिंसर ग्रिप के बारे में। पेंसिल पकड़ने के लिए जो ग्रिप चाहिए होता है, यानी कि पॉइंट फिंगर एंड थंब फिंगर, इन दोनों को सपोर्ट में लेके इन दोनों से हम लोग जब पेंसिल पकड़ते हैं या फिर पेन पकड़ते हैं तो इसको पिंसर ग्रिप बोलते हैं। मिडिल फिंगर को हम लोग हमेशा सपोर्ट में रखते हैं ताकि पेंसिल हिले नहीं, तो हम लोग पेंसिल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रिपिंग कभी कभी बच्चों को बहुत जल्दी आ जाता है और कोई कोई बच्चों को बहुत ही टाइम लगता है ये ग्रिपिंग आने के लिए। इसी टॉपिक में मैं तीन वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले वीडियो में, यानी कि आज के वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से एक्सरसाइज हम लोग बच्चों से करवाए ताकि बच्चों का पिंसर ग्रिप डेवलप हो पाए। सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं उन लोगों के पिंसर ग्रिप डेवलपमेंट के लिए। एंड थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों को कौन कौन से एक्टिविटीज हम लोग करवाए ताकि वो लोग एंजॉय भी करें और उन लोगों का पिंसर ग्रिप भी खेल खेल में डेवलप हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, बच्चों का फिंगर मूवमेंट अभी तक आ चुका होगा। पॉइंट फिंगर एंड थंब फिंगर दोनों को मिला के पेंसिल का ग्रिपिंग आता है और हम लोग जब लिखते हैं तो ऐसे फिंगर्स मूव होता है, ऐसे। बाकी सारे फिंगर्स लिखने के लिए ज़्यादा काम में नहीं आता है, सिर्फ ये दो फिंगर ही मेन काम करता है लिखने के लिए। मिडिल फिंगर से हम लोग सपोर्ट देते हैं ताकि बाकी दो उंगलियाँ अच्छे से काम कर पाए। हैंड को ऐसे कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर रख के हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं फिंगर्स टैप कर रही हूँ वन बाय वन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए, हमारे सारे फिंगर्स में एक्टिविटीज़ हो रहा है इसी तरीके से। नेक्स्ट हम बच्चों से फिंगर्स को विगल करवाएंगे, ऐसे ऐसे मूव करने को विगल बोलते हैं। ऐसे हम लोग बच्चों से फिंगर्स विगल करवाएंगे। नेक्स्ट थंब फिंगर को अंदर की तरफ रख के फिस्ट बनाना सिखानी है, ऐसे मुट्ठी बनानी सिखानी है। बच्चों को मुट्ठी बनाना आता होगा लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा, तो आपको बच्चे को प्रिपेयर करना है कि इस तरह से बच्चे बना पाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कोई भी एक बलून को छोटा सा हल्का सा फुला के उसको अच्छे से बांध दे के हम लोग बच्चों को देंगे, वो लोग प्रेस करेंगे। यस, देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ, ऐसे ही बच्चों को बोल रही हैं कि प्रेस करो। मार्केट में बहुत सारे टाइप का स्क्वीजिंग बॉल मिलता होगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट उपाय है अगर आप बलून यूज़ करो तो ये फटने का चांस भी नहीं होता है और बच्चे एंजॉय भी करते हैं। इस टाइप के एक्सरसाइज के लिए आप बच्चे को मैदे का डो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे पास एक पेंसिल है, पेंसिल से मैं कैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ। देखिए, 3 फिंगर्स के सहारे हम लोग बच्चे को ऐसे पेंसिल को फ्लिप करना सिखाएंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही बच्चों को सिखाएंगे। पहले अपने सारे फिंगर्स यूज़ करने को बोलेंगे, उसके बाद सिर्फ 3 फिंगर्स यूज़ करने को बोलेंगे। देखिए मैं कैसे पेंसिल पकड़ रही हूँ 2 फिंगर से, इसके बाद हम लोग 3 फिंगर यूज़ करके पेंसिल को ऐसे फ्लिप करवाना सिखाएंगे। देखिए ऐसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा, हम लोग पेंसिल को ऐसे 2 फिंगर से उठा के पेंसिल को अप 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 डाउन 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 ऐसे मूव करवाना सिखाएंगे। अप 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 डाउन 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 डाउन। देखिए 3 फिंगर ही हमारा काम में आ रहा है इस काम में, अप 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 एंड डाउन 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 डाउन, अप 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 एंड डाउन 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 डाउन। पॉइंट फिंगर एंड थंब फिंगर यूज करके पेंसिल को उठाना और वापस पेंसिल को रखना। 2 फिंगर यूज करके पेंसिल को उठाना एंड वापस पेंसिल को रखना, ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे। कोशिश कीजिए बच्चों को छोटा पेंसिल देने की, या फिर पेंसिल को हाफ करके बीच में से ब्रेक करके आप बच्चों को छोटा पेंसिल दे सकते हैं, क्योंकि हाथ उनका उतना बड़ा नहीं होता है। अगर छोटा पेंसिल देंगे तो इजीली इस जगह पे सपोर्ट हो जाएगा। देखिए, बीच वाला फिंगर
कैसे सपोर्ट कर रहा है और पेंसिल कैसे मूव कर रहा है। देखिए ऐसे हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। खेल खेल में सिखाइए, बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज बिल्कुल मत कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।